196 कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं, जबरदस्ती मारा की मारा लगा आ रहा है सर उसको वो पेट्रोलियो बचाया था उन्होंने तो उसके तहत कौन लड़के हैं उनके आप पड़ी कर पहले आपका फिगर भी सुनना पड़े सभी तो मुझे पूरे है सर हमारे पास तो रुकेगा आपकी गार्ड अंदर आने देते हैं आपको ऐसा लगा के रखे सर नहीं जिसको मारा है कम से कम साल तो मेरे पास आ सर पिछले 6 सालों से बच्चा सर सर कॉलेज में पिछले वगैरह 6 वर्षों से आपके पास हम लोग आ रहे हैं 7 वर्षों से मोहसिन में अरशद अली सब हम लोग इकट्ठा हो गया आप उसके बावजूद सर लड़के वो सर हुआ ना जो लड़के ने कितने बार कर दिया उसके बाद भी आप लोग छात्र पेट जा रहे हैं नहीं नहीं कॉलेज गेट पे हुआ है कॉलेज गेट पे आपका कैमरा लगा हुआ वहाँ पर आप उसकी फोटो बनाइए मैं भी आप निकाल के मैं इन्क्वायरी कर रहा हूँ जो भी हुआ है मेरी मांग सिर्फ यही सर पहले कम से मेरे पास आना था आपने सबसे पहले विवाद बैठना है अभी कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ है आप आगे कोई बड़ी घटना नहीं अभी कोई भी शिकायत आते हैं बड़ी कार्रवाई करते हैं छोटे मोटे कार्रवाई में करते हैं सर एक बात और अभी हमें कुछ मालूम चला है क्योंकि कुछ इसमें पूरा किया नहीं है डॉक्टर बोल रहे हो किसको फोन करते हैं मेरे से मिलने के लिए आने के लिए बोलते हैं उसी को मैं बोलता हूँ आने के लिए कोई बात नहीं से जुड़े हुए जानते थे हमेशा से आते जा रहे हैं आपके पास जब से जो भी कोई भी बात होती है तो आपके पास पहले आते हैं हम लोग तो इसको थोड़ा सा बस आपसे निवेदन है मैं आया उसके बाद खाना मिलेंगे अभी जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये बात है सर ये तरीका है कैमरा लगा के रिक्वेस्ट कर रहे बहुत अच्छा योगदान सहयोग आपका योगदान और सहयोग हमेशा हम लोग के साथ बना रहा है सर इसलिए आज हम लोग का संगठन यहाँ पे अच्छी तरीके से कार्यरत रहता है इसकी कोई वो नहीं है सर इसलिए जो भी है मैं तुरंत आगे मैं सोहेल रईस सेंट अलोयशियस कॉलेज का फर्स्ट बीकॉम फर्स्ट सेम का छात्र हूँ मेरे साथ कुछ सीनियरों ने मारपीट गाली गलौज और रैगिंग करने का वो किया और मेरे से गाली गलौज करने के साथ मारपीट की जिससे मेरे गाल में चांटे मारे और पेट में लात और ठूसे मारे मैं अभी नया हूँ छात्र 15-20 दिन हुए एडमिशन लिए हुए मेरे को मालूम भी नहीं कौन है और लोग मेरे ऊपर चढ़ गए हम लोग वहीं जा रहे हैं बाद में डॉक्टर प्रिंसिपल से भी बात करेंगे नाम मेरा सोहेल रईस अभी एक बालक आया है कॉलेज सेंट्रल अलोयशियस कॉलेज से मोहम्मद सोहेल रईस बता रहा है इसका कहना है कि गेट के बाहर हम खड़े थे और कॉलेज के कुछ एक दो सीनियर छात्र से बुलवाए और इसके साथ एक झापड़ से मारा और एक ने लाश से भी मार दिया है उसके बाद ये जो भी अपना समझौता वगैरह किए हुए हैं और बाद में भी रिपोर्ट को आए MLC बलकर वैधानिक कार्रवाई की जाती है क्या ये रैगिंग का मामला है और रैगिंग कॉलेज परिसर में होती तो रैगिंग मान सकते हैं कॉलेज के बाहर हुआ है मारपीट है भी शुद्ध रूप से We have the police story, we have the student story, but we don't have any specification from the college side. I have don't know. Now only the complaint is received from me only. You just say that the complaint has come and we are taking investigating in this matter. That's all. अभी अभी 5:30 बजे मुझे 5:30 बजे 5 बजे अभी मुझे लिखित रूप में शिकायत मिली है और इसकी जांच पड़ताल किया जाएगा उचित उसके जांच पड़ताल करने के बाद उसमें दोषी पाए गए पर या कुछ भी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगी पहले नाम बोले मोहम्मद अबूजा आज दोपहर की घटना ये थी कि सेंट अलोयशियस कॉलेज के बाहर जूनियर छात्रों के साथ सीनियर छात्रों ने मारपीट की ये सीधी सीधी एक रैगिंग की घटना है इस विषय में हम लोग ने इस चीज़ का विरोध करते हुए गोरा बाजार स्थित पुलिस चौकी में
आकर कंप्लेन दी, जिसकी एक शिकायत हम कॉलेज प्रशासन को भी दे रहे हैं। इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए हम आशा करते हैं कि पुलिस प्रशासन एवं कॉलेज प्रशासन इस विषय में हम सबका सहयोग करेगा। मोहम्मद सोहेल के साथ मारपीट की गई, उसके असरानी नाम के किसी सीनियर छात्र ने की है। ये आम दिनों में ऐसा होता जरूर है, लेकिन मारपीट तक बात नहीं पहुंचती। सीनियर अक्सर जूनियर छात्रों को दबाते हैं, कभी कभी फ्रेंडली वे में इंट्रोडक्शन लिया जाता है, लेकिन आज की घटना इससे कहीं आगे बढ़ गई। लोगों ने मारपीट की बच्चे के साथ। इस विषय में मैं चाहता हूं कि आगे ये सब चीजें, ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए मैंने पहले पुलिस प्रशासन को इस विषय में आज आवेदन दिया है, और ऐसे ही एक आवेदन मैं प्राचार्य महोदय को देने जा रहा हूं।